नमस्कार किसान भाइयों, मैं विक्रम सैनी चंदबरिया आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं जो ये मशीन दिखाना जा रहा हूं, दोस्तों ये मशीन नहीं, मशीन का बाप है, और ये ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टरों का बाप है। दोस्तों, जो आज तक हमने अपने ट्रैक्टर देखे हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो तो ट्रैक्टरियाँ थी, और ये है ट्रैक्टर। इसको मैं तो ये बोलूँगा कि इसको ट्रैक्टर नहीं बोलना चाहिए, इसको तो ट्रक बोलना चाहिए। दोस्तों ये ट्रक है, दोस्तों देखो, और ये जो मशीन है ये एक एकड़ में सिर्फ चार ही टुकड़े करती है, जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये चार ही पैकेट बनाती है सिर्फ, और इसको बकायदा लोडर से लोड किया जाता है। ऐसे आदमी की ताकत नहीं है कि इसको उठा के लोड कर सके। और दोस्तों देख सकते हो कि आप कितनी सफाई से काम किया जा रहा है। दोस्तों तकनीक जिसको बोलते हैं ये वही चीज़ है, तकनीक देखिए दोस्तों, हाथ के साथ भी आप इतनी सफाई से काम नहीं कर सकते जितना कि इस मशीन के द्वारा इतना साफ सफाई से काम किया जा सकता है। और दोस्तों अपने खेतों में आग लगने से बचाया जा सकता है। और आज जो 2022 का ये समय है, आज आधुनिक और तकनीक के समय को ये मशीनरी जो संजीदगी दे रही है, और किसानों को उनके खेतों में आग लगने से बचाने का जो काम इस मशीनरी द्वारा किया जाता है। देखो दोस्तों, एक खेत में एक ट्रैक्टर तो जो इसके रो बना के चला गया है, जिस प्रकार से ये लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइनें बना के चला गया है, और उसके बाद से ये मशीन आती है, और मशीन के बाद फिर ये लोडर, देखो ये लोडर किस प्रकार से उठा के मशीन को रखता है। दोस्तों ये मशीनरी ही है जो इतनी जल्दी इतने मिनटों में काम कर रही है, जो कि काम घंटों का और दिनों का हिसाब का था। मशीनरी काम कर रही है दोस्तों, उसी हिसाब से इसके ऊपर कीमत भी लगी हुई है। दोस्तों ये 4.5 करोड़ रुपए की मशीन है दोस्तों, कोई छोटी मोटे ट्रैक्टर नहीं है, कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो देखकर हमें ये लगता बड़ी मशीन है। ये जो दोस्तों ये भारत में से 2-4 ट्रैक्टर ही होंगे, ये इंपोर्टेड ट्रैक्टर है दोस्तों, और बड़े बड़े देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रैक्टर है ये। हमारे देश में ये मशीनरी नहीं चलेगी, हम वीडियो में यूट्यूब पर वीडियो में देख कर यही अंदाज़ा लगाते थे, लेकिन इस धारणा को भी पंजाब के इन किसानों ने, इन कंपनियों ने ख़त्म कर दिया है, जब ये मशीनरी हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में चल रही है। और ये मशीनरी बिल्कुल ही बहुत ही छोटे से छोटे रकबे, जैसे कि 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल 1 एकड़ 5 जो भी हो रकबा, 10 किले कितना भी रकबा हो, सभी रकबे पर बड़ी आसानी से सिर्फ एक फोन करने पर ही पहुंच रही है, और इन अवशेषों का बड़ी अच्छे तरीके से निपटान जिम्मेदार द्वारा या इन मशीनों द्वारा हो रहा है जी। देखिए जी कि एक 4.5 से 5 क्विंटल के बीच के इस गट्ठे को एक ट्रैक्टर द्वारा ही ट्राली में लोड किया जा रहा है, इसमें किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस तकनीक में बिल्कुल भी आदमी की कहीं भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर पे ड्राइवरों की जरूरत होती है, और किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है आदमियों का, इसमें लेबर का कोई भी काम नहीं है, सारा काम लोडर और ट्रैक्टर का है दोस्तों। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार जी। हमने ये मशीन ही बेल्जियम से एक्सपोर्ट करवाई है जी, और ये हमारा 2.5 करोड़ का है जी। सिर्फ मशीन जी? ये मशीन है 86 लाख की मशीन है जी। अच्छा। और 76 लाख का ट्रैक्टर है जी, और बाकी एम्प्लीमेंट्स जो भी है वो सारा, मतलब कुल मिला के 4.5 करोड़ में पड़ गया जी। तो ये जो मशीन है जी, ये एक दिन में कितना काम कर देती है? जीरी पे तो जी एक दिन में 70-75 किले उठा देती है जी। अच्छा। ठीक है जी, 1 घंटे की एवरेज है जी इसकी 10 किले। अच्छा। हाँ जी। तो ये 24 घंटे चला रहे हो मशीन को या सिर्फ? जीरी पे हमने 24 घंटे चलाई है जी। अच्छा। और ऐसा था भी, जैसे काम का जब खिंच पड़ता है तभी तो हम 24 घंटे चलाते हैं जी, नहीं तो दिन में चलाते थे ज़्यादा तो। और इसके जो ये गट्ठड़ होते हैं जी, हाँ जी, जो आप ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जी, हाँ जी, तो फिर इसकी सप्लाई बढ़िया तरीके से हो रही है जी? बहुत बढ़िया तरीके से जी,
गवर्नमेंट का इसमें कुछ योगदान मिल रहा है जी आपको? पूरा मिल रहा है जी। अच्छा जी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है जी? कोई समस्या नहीं है जी। जैसे कि जिम्मेदार के यहाँ से उठा के ले जा रहे हो? हाँ जी। और गवर्नमेंट इसका पूरा वहन कर रही है? हाँ जी। वाह जी वाह, तो यानी कि आपने जितने पैसे लगाए हैं आपके वसूल हैं जी? वसूल है जी। वाह जी वाह, यही बात को हम किसान भाइयों से दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी किसान भाई इस तरीके से अपना पैसा लगाता है तो उसमें डूबने का कोई खतरा? कोई खतरा नहीं है जी। बिल्कुल, एक रोजगार जो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है। हाँ जी। एक रोजगार भी है और किसानों का जो वेस्टेज है उसका भी एक सही प्रकार से निपटारा हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है जो मृदा संरक्षण की जो गवर्नमेंट बात करती है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा ये योगदान है। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये इसकी एवरेज है ट्रैक्टर की 1 घंटे की 20 लीटर तेल पीता है जी? 1 घंटे में 20 लीटर तेल पी लेता है। हाँ जी। वगैरह की क्या कुछ खामियां है जी, या जैसे कि कोई मेंटेनेंस में दिक्कत आती है आपको? कोई दिक्कत नहीं आती है सर। जब से मशीन लिए है कब से लिए रखी है आपने जी? अभी ये न्यू पहला सीजन ही है जी हमारा। हाँ जी, जीरी का लगाया और ये कमाद पर गन्ने का लगा रहे हैं। मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि हॉलैंड ट्रैक्टर लिया है जी, ये कौन सा मॉडल है इसका? ये है जी न्यू हॉलैंड T6090। यानी कि 90 एचपी का ट्रैक्टर है जी? नहीं जी, 180 एचपी है जी। 180 एचपी का ट्रैक्टर है। हाँ जी। तो इसमें जब से आपने लिया है ये ट्रैक्टर, इसमें कोई भी तकनीकी खराबी नहीं? कोई तकनीकी खराबी नहीं है सर इसमें। अच्छा जी। और कंपनी पूरा आपके साथ? कंपनी पूरा कोऑपरेट कर रही है सर, जब भी फोन करते हैं आ जाते हैं। सर्विस वगैरह के लिए आपको अपना डोर स्टेप पे ही सर्विस दे रही है? हाँ जी सर। चलो जी, और कोई इसके बारे में आप कोई अपना नंबर शेयर करना चाहते हो जिम्मेदारों के साथ वो कर सकते हैं? हाँ जी, मेरा नंबर है 9417718330। एक बार और बता दीजिए। 9417718330। अच्छा जी, तो आप अभी हम कुरुक्षेत्र के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में और बबैन कस्बे के नज़दीक हैं जी। हाँ जी। तो आप और किस किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं जी ये बता सर? यहाँ पे भी हमें काम मिलेगा और फैक्ट्री नज़दीक हो वहीं काम करेंगे सर। अभी आपका ये जो तैयार माल है कहाँ सप्लाई कर रहे हैं जी? ये हम खन्ने कर रहे हैं जी। खन्ने कर रहे हैं जी, उधर ही इसका फैक्ट्री लगी हुई है जी, या स्टॉक भंडार? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पावर प्लांट में। तो अभी आपके पास काम का पूरा रस है जी यहाँ? अभी पूरा तो नहीं पड़ा है सर। अच्छा जी। थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि छिलाई कुरुक्षेत्र में ही होगी मेरे ख्याल से। हाँ जी, यमुनानगर में। हाँ जी हाँ और जी। दूसरे कैथल वगैरह इस साइड तो कम ही रहता है गन्ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, तो इस प्रकार की ये जो आपका ये इतना महंगा प्रोजेक्ट है जी, इस प्रकार की कितनी मशीनें उपलब्ध हैं जी हमारे? ये हमारे पंजाब में अभी 15 मशीनें उपलब्ध है सर। अच्छा जी, इस रैंकिंग में? हाँ जी। सरकार की तरफ से आपको कुछ अनुदान प्राप्त हुआ है जिसके बारे में? नहीं, सरकार इसमें कुछ नहीं देती सर, कुछ हेल्प नहीं है। लेकिन जो भी पैसा आपने अपने ही दम पे लगाया है? हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है जी, चलो जी, धन्यवाद आपका बहुत 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 शुक्रिया सर। अच्छा, थोड़ा सा आप? मेरी पूरी टीम है सर। अच्छा जी। जैसे फाइनेंशियल वगैरह वो जीजा ही देखते हैं। अच्छा जी। जो फील्ड वर्क है वो मैं देखता हूँ। ठीक है जी, थोड़ी ही ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दे दो जी आप। हाँ जी, पूछिए। ये पहली बात तो ये बताओ, ये ट्रैक्टर है कि ट्रक है जी? मेरे ख्याल से तो इसको ट्रैक्टर की संज्ञा देना गलती होगी जी, क्योंकि ट्रैक्टर तो हम 55 HP के देख रहे हैं जो, वो भी ट्रैक्टर ही है जी, और ये इतना बड़ा है ये भी ट्रैक्टर, ये गलत नहीं है जिसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं किया जा रहा है जी? देखिए, साइज के हिसाब से तो ट्रक ही लगता है। हाँ बिल्कुल, अगर इसमें थोड़ी सी और सेंटर में सीट के बजाय साइड में सीट कर दी जाए और थोड़ा हाँ इसको कवर कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ट्रक ही बोला जाएगा जी इसको। वो तो फिर बेलारूस की कॉपी हो जाएगी ना। हाँ जी, अगर साइड पे कर दी तो। ये कितने के टायर हैं जी इसमें? ये 38 के हैं। 38 के? हाँ, पिछले टायर 38 के हैं, आगे वाले टायर 14। इसका क्या है? हाँ जी, पूरा रेशो क्या बोलते हैं जिसको? 665 और 38। तो इसमें जैसे कि आप काम करते हैं जी, कितने घंटे तक काम कर लेते हैं जी यार? घंटे तो ऐसा है सर, दिन रात भी चलाया है इसे। अच्छा जी। हाँ, थकावट तो महसूस ही नहीं होती इसमें। अच्छा जी, ये बेल्जियम से बता रहे हैं जी आप? हाँ जी, ट्रैक्टर बेल्जियम से है। अच्छा जी, और कुछ इसके गुण खासियत? गुण खासियत भाई यही है, फुली एसी है। अच्छा जी। मिट्टी कटेगी कोई समस्या नहीं है? समस्या ही नहीं है, जैसे बैठे वैसे ही उतर जाते हैं। हाँ, वैसे ही उतर जाते हैं। हाँ जी। तो कंपनी को बस ऐसा है थोड़ी, जैसे अब 20 ट्रैक्टर आए हैं जो इंडिया में, पंजाब में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, जैसे फरीदकोट में 3 है, फिरोजपुर में 4 है, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, मुक्सर में है 5-6 ट्रैक्टर, चन्नू में है। अच्छा जी।
और ये आपके पंजाब में ही है, ये हरियाणा में भी है जी? नहीं, पंजाब में ही है। अच्छा जी, हरियाणा में नहीं है किसी के पास। मतलब हरियाणा से बहुत आगे है जी? आगे की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी थोड़ी सी ना दिक्कत लगती है हमारे लोगों को, जो हमारा जमींदार भाईचारा है ना, इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा झिझकझाता है वो। तो ये बताइए जी, आप जैसे कि आपने अभी परचेज किया है जी ये, हाँ जी, तो आपको मतलब इसका मूल्य जो बोलते हैं वो कैसा लगता है कि उतार लेंगे आप, मतलब सही है? हाँ, वो तो अपनी मेहनत है। हाँ जी, जो मेहनत करेगा वो बिल्कुल बिल्कुल वही पाएगा। आपकी इन्वेस्ट की हुई राशि आपको लगता है कि ये हम पूरी कर लेंगे जी? हाँ जी हाँ। वाह जी वाह। इस ट्रैक्टर के जो इम्प्लीमेंट है, आप सिर्फ इसी मशीन के लिए लिया है जी आपने या कोई और? नहीं, लिया तो इसी के लिए है। ऐसा है जैसे कि जो इस मशीन बेलर की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, वो तो है 140 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की। अच्छा जी। हाँ जी। और ये है आपका 190 एचपी का? नहीं, 180। 180? हाँ, 180 एचपी है। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेलर की जो रिक्वायरमेंट है वो 180 की है? नहीं, 140 की है। 140 पे, यानी कि 40 एचपी फिर भी ये बढ़ रहा है? हाँ, बड़ा है, बड़ा है। अच्छा जी। वो ऐसे है, मान लो आगे हमें बड़ा बेलर लेना पड़ता है। अच्छा जी। ट्रैक्टर में अभी तो थोड़ी, इससे बड़ा भी है जी? हाँ जी, इससे बड़े भी तीन मॉडल है इसके। अच्छा जी, अच्छा जी। बेलर के तो ये तो पंजाब वालों की मैं करामात ही मानूंगा जी, जो इतनी बड़ी मशीनरी को भी छोटा बता रहे हैं जी। अच्छा जी, चलो हमने तो आज फर्स्ट टाइम देखी है जी, तो इसके बारे में बहुत उत्सुक थे, मां चलो वीडियो बनाते हैं जी इसके बारे में। ठीक है जी। तो अच्छा, जैसे कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह का किस प्रकार से आप ध्यान रखते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई आपको जी अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और कंपनी जैसे ऐसे? हाँ, कंपनी का सहयोग पूरा है। अच्छा जी। हाँ, स्पेयर पार्ट में चलो पहली बार आई है मशीनरी इंडिया में। हाँ जी, तो स्पेयर पार्ट की तो दिक्कत आ ही जाती है। आप जिम्मेदार भाइयों से क्या कहना चाहेंगे जी कि मशीनरी लेते समय घबराना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं घबराना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, वाह जी वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेहनत करेंगे तो फल भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर पता ही है, जो हमारा जिम्मेदार होगा सर्कल होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा ट्रैक्टर के अंदर की डिटेल लेना चाहेंगे जी, आप खुद बैठ के दे देते तो? आइए देखो जी, सबसे पहले तो इसमें ड्राइवर के साथ ही एक सीट दी हुई है बैठने के लिए, और उसके बाद इसका क्लस्टर कंट्रोल वगैरह देखते हैं जी किस प्रकार से है। दो आदमी बैठ सकते हैं जी बड़े आराम से? हाँ जी हाँ, बड़े आराम से। अच्छा जी, ये आपने एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है जी? हाँ, इस पर्पस के लिए? ये बस म्यूजिक के लिए है, म्यूजिक सिस्टम। अच्छा, है या जीपीएस वगैरह? कोई कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है जिसमें? हाँ जी हाँ, इसमें कैमरा चलता है। अच्छा जी। तो ये जैसे कि आप रिवर्स करते हैं तो पीछे कैमरा दिखता है जिसमें? हाँ जी हाँ, दिखता है। अच्छा, दो एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है इसमें? हाँ जी। ये इसकी जो मैनुअल आती है बेलर का, ये मैनुअल है। अच्छा जी। हाँ, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह? हाँ जी, सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, ऑयलिंग के, ग्रीसिंग के, लाइटिंग के, सब कुछ सेंसर। हाँ जी हाँ, सर्विस लाइटिंग होगी। अच्छा जी। तो इसके बाद इसमें मतलब कि जो अगर कोई त्रुटि आ रही है, कोई कमी आ रही है, तो ये पीछे से जैसे अभी शील्ड ओपन किया हुआ, फ्लाई व्हील के ब्रेक लगे हुए हैं, फ्लाई व्हील की ऑप्शन आ रही है। ठीक है जी, फ्लाई व्हील ब्रेक की। अच्छा जी। ये स्टफर सेफ्टी लॉक भी ऑन है, स्टफर सेफ्टी लॉक की आ रही है। तो इसके लिए तो फिर आपने पहले तो इसका डिप्लोमा करना पड़ेगा जी? नहीं, ऐसा कंपनी ने थोड़ा बहुत बताया था ट्रैक्टर के बारे में भी, मशीन के बारे में भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब यानी कि ये तो कुछ खास नहीं है, हमारे जमींदार अच्छे से सीख सकते हैं, चला सकते हैं, कोई अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है यार। अच्छा, कैसे चलाएंगे? वैसे मैं जैसे देख रहा हूँ कि आपका रंग तो बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर बैठे बिल्कुल सेफ है जी। तो ये बताइए जी, जैसे कि मान लो जो भी मतलब पीछे कोई फॉल्ट या ग्रीस के बारे में कुछ आ रहा है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन? हाँ जी हाँ, सारे इंस्ट्रक्शन देगी। अच्छा जी। तो ये तो मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि आगे बच्चों को सक्षर होना पड़ेगा इस प्रकार की मशीन चलाने के लिए। हाँ जी हाँ। क्योंकि अनपढ़ बंदा तो नहीं चला सकता, आने वाला समय बड़ी मशीनरी का रह जाएगा सर। इस प्रकार से आपने मिनटों में इस काम को खत्म कर दिया जी, मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपने 1,00,000 ये। हाँ जी हाँ। वो भी ना ऐसा जैसे क्यारियां बनी हुई हैं इसमें छोटी छोटी। हाँ जी हाँ जी। अगर फील्ड साफ हो, एक लेवल में हो। अच्छा जी। तो कम से कम 8 से 9 मिनट लगते हैं एक एकड़ में। एक एकड़ में 8-9? अच्छा जी हाँ जी। अच्छा जी, काम कितना? हाँ, ही करा लो इससे। काम चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ट्रैक्टर की जैसे ट्रैक्टर आप सारा दिन चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 24 घंटे रेगुलर काम करने के लिए सक्षम है जी? हाँ जी हाँ, बढ़िया है। अच्छा जी।
तो आप तो मेरे ख्याल से एक मान के चलो लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ फील कर रहे हो आपको। हाँ, रेंज रोवर के मुल्क का ट्रैक्टर है तो लग्जरी गाड़ी अपने आप ही होगी। वाह जी वाह। तो मतलब आपको अगले आने वाला टाइम ये है जी कि हम एक खेती को एक नए एंगल से देखेंगे। हाँ जी। तो नया प्रकार का जो साधन है वो मिलने वाला है हमको आगे आगे आने वाले टाइम में, और जो जून है जो जिम्मेदार की वो भी सुधर जाएगी। सुधरेगी। वाह जी वाह। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैसे अगर इसकी मैं डिटेल लेना चाहूँ तो शायद बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, पर मेरा मतलब था जी सिर्फ ये इस प्रकार से काम हो रहा है ये दिखाना। चलो जी, धन्यवाद। ठीक है।